कहा था ना मम्मी को आज बाहर लेके जाएंगे, एंड देखो मम्मी बाहर वैसे ही नहीं जा रही, मम्मी जा रही है अपने पूरी फुल फॉर्म में आके, मम्मी ड्राइव करके लेके जा रही है आज। हेलो बच्चों, कैसे हो, कमेंट करके बताओ। अब आए हो आप? आज मैं अपनी ड्राइविंग अपने उसमें फुल फॉर्म में आ गई हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही आओगी, फिर मसला खुल जाएगा ना जरा। एक डर भी बैठ गया था जरा, हो रही थी। आज हम आएंगे थोड़ी देर के लिए, चल लेते चाहे बीच में आ जाएंगे वापस, या मम्मी को कैब करा के है ना, देख लेंगे जैसा कन्वीनियंट होगा। हाँ ठीक है, हम स्टूडियो में दिखा रहे हैं, उधर करते हैं कैमरा जी खुश है। ठीक है भैया, और ये और यहाँ का पानी यहाँ पर अपने आप आराम से आएगा। ये क्या हो गया? तो इसके ऊपर ओहो, तो नया लगाया है। उन्ना भाई MBBS, अरे भैया पैर किनारे रखो भाई, पूरा हो जाए इस पे, सीढ़ी है ना। तो गाइस मेरी बात, मैं आपको कह रही थी हमारे यहाँ पे बड़े खास खास लोग काम कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ पे शाहरुख खान भी है, जिनसे मैंने आपको शायद मिलवाया होगा किसी व्लॉग में, जो साउथ से है हमारे। हाय हाय, प्रॉपर बहुत अच्छे टैलेंटेड है। और हमारे यहाँ पे मुन्ना भाई भी है। मुन्ना भाई हेलो हेलो बोलो। तो इन्होंने भैया पूरा एकदम हमारी प्लम्बिंग श्लम्बिंग टच कर दी है, एंड इन्होंने पूरा हमारा सब कुछ ही कर रहा है। हमारे घर का काम भी यही करता है सब। मैं जानती हूँ इसको 25 साल से जानती हूँ। मैं नहीं कह रही, मेरा बेटा है। बेटा है सॉरी, क्योंकि शाहरुख भाई सबको बोलते हैं ये मेरा भाई है। देखो बोला 25 साल से ये मेरा बेटा है। ये बात हुई, ये मैंने, बट ये मेरा स्पेशल बेटा। अब ज्यादा शाहरुख को बहुत, जब पतले होते थे शाहरुख हम तब से जानते हैं। अब थोड़ा सऊदी जाके थोड़ा भाई जो सोफे का प्रॉपर एकदम ऐसे चमका रहे हैं। इनसे कोई काम होता बताना। एक मूवी मूवी बना लो, 30 मिनट की। मुन्ना भी है, लक्की भी है, शाहरुख भी है, वही तो दिखा रही हूँ। पूरा बॉलीवुड आया और विलन ही है। चॉपर से बनाई, चॉपर से बनाई ये वाली चटनी जो है। हाँ कच्चा खा लो, जो साथ में खा लो, सुबह खा ले, रोटी ले ले। नहीं बड़ी अच्छी बनाई है मैंने, चटनी बहुत टेस्टी बनी बच्चों। ब्लेंड करके बना दिया आपने? हाँ ऐसे तो, मतलब ज्यादा नहीं पीसा, थोड़ा थोड़ा दर दरा सा पीसा। देखो ये देखो, सबका खाने का मन करेगा। मैंने खाया पुदीना, गाइस हाई ब्लॉग, तो मम्मी फॉर्म में आ रही थी धीरे धीरे। पुदीना तो मैंने भी सबको खिलाई, मैंने एक एक बाइट सबको दिया। अभी और देखे और लेनी लगी भैया, लकी एक देख रहे। ये उसके फ्रेयर की टूके ना। हाँ ठीक है, ये भी ये रखिए। तो गाइस अभी बस नीरू बस अपनी वैनिटी सेटअप कर रहे हैं, ऑन मेन्यू मेकअप भी है, थोड़ा सा मेरे कैमरे पे आई थिंक कुछ हेजी भी लगा हुआ है, ये वाला काम भी निपटा रहे हैं बस वो करके, फिर आपको आगे का दिखाती हूँ मैं और क्या कुछ। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरे साथ गुड मॉर्निंग हो रही है। नीरू की नीरू हम ट्विनिंग कर रहे हैं, मैंने अभी देखा है ना। अच्छी मैम, क्वाइट सेम, पर्पल पर्पल लाइलैक लाइलैक। ए गाइस, सुबह सुबह आप सोच रहे हो तैयार हो के कहाँ जा रहे हैं। सुबह सुबह ये बहुत, हम जा रहे हैं अपनी ऑन वेन्यू बुकिंग के लिए, एंड बाकी मेकअप वेकअप करते हैं प्यारा सा ब्राइट कर, उसके बाद आके फिर वहीं अपने कारपेंट्री वॉलपेपर ये सब चीज़ों में काम फिर वापस लगते हैं। एंड आज मदर्स डे भी है, सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मम्स। नीरू को भी हैप्पी मदर्स डे, मुझे भी हैप्पी मदर्स डे, हमारी मम्मियों को भी हैप्पी मदर्स डे। एंड बस बने रहो, दिखाते हैं अपना पूरा दिन। पहले हम स्टूडियो में ही आ गए हैं, कुछ सामान लेना है, एक आध लाइट वाइट उठानी है। एंड अभी क्या है, अभी तो पेंटर वाले भी आए नहीं, मुझे लगा 9 बजे आ जाते हैं, आने वाले होंगे मुझे लगता है, सब आने ही हो रहे हैं। हाँ जी, ये वाली कौन सी है? हाँ ये तो लेके जानी है, कोई डॉक्स। ओके गाइस, बस पहुँच गए अभी हम वेन्यू पे, एंड अभी ब्राइड नहीं आई हमारी, सगन है, सर सगन, एंड वेटिंग फॉर हर टू कम। इतने में बस अभी बैठे हैं, सामान वामान, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ, बस बैठे हैं अभी। और इट्स जस्ट माय दैट टाइम ऑफ द मंथ, एंड आई एम लाइक मैं दवाइयों के नशे में समझ सकते हो। बस सामान खोल रहे हैं हम लोग, ब्रशेस अलग से थे ना। हाँ जी, मैं ना बस से भाई बच्चा
10 मिनट के लिए घर पे आई हूँ सीधा मेकअप वेन्यू से. मुझे तो एक दो चीजें थी. एंड दीदी 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 कहाँ जा रहे हैं? एनीवे गाइस, आज मदर्स डे भी है, मैंने बताया था शायद ब्लॉग में. एंड हमारी छुटंकी एरी जिसने मुझे मम्मा बनाया, एंड मैं वो थी जिसने मम्मी को मम्मा बनाया. हेलो बच्चों, कैसे हो? कमेंट करके बताओ. आपकी मम्मी को भी और आप सबको भी मदर डे मुबारक हो. यस, हैप्पी मदर्स डे दोबारा से यूट्यूब के लिए. थैंक यू, सेम टू यू. तेरा क्या हुआ? अब सब मदर्स बन गई है. चिया हैप्पी डॉटर्स डे करेंगे तेरे को. ओह, चिया 9 मंथ्स की भी हो गई भाई. आ तो मतलब ऐसा है कि होली दिवाली एक साथ है. होली दिवाली एक साथ है. लेकिन हम और भावना ने कुछ फ्लावर्स भेजे हुए हैं और एक नोट भेजा हो, बट कोई क्लाइंट आया हुआ है तो मैंने कहा मैं आके आराम से तसल्ली से पढ़ूंगा और आपको भी पढ़ाऊंगी. ये लो, आप ये ले लो. चल रहा है. हेलो हेलो अंकल, सही चल रहा है काम? ठीक है. हाँ जी, नावे लगी पड़ी है भाई. चलो अच्छी बात है, मैं सही टाइम पे आई हूँ. यार आज कोई आया ही नहीं, पता से पेंटर अंकल आए हैं. कैसे होगा काम, कैसे होगा? सिर्फ आप ही आए हो ना अंकल, और कोई नहीं आया ना? सब छुट्टी मार गया. बस अभी मैं स्टूडियो में आई थी एंड अभी बस एक बहुत ही प्यारी प्यारी क्लाइंट से मिली, उनकी मम्मा से मिली. एंड वही नवंबर की बुकिंग्स इतने साए हैं ना इस बारी, तो अभी से काफ़ी स्लॉट भरने भी शुरू हो गए. लेकिन अभी भाई बहुत प्यारा गिफ्ट आया जी अगले, मैं आपको दिखाती हूँ. एक तो ये है एंड ये भेजा है नेहा जी ने. थैंक यू सो मच भाई, इतनी प्यारी चीज़ है यार. ये वॉल हैंग चिया के रूम में टंगने वाला है ये तो. एंड वो भी दिखाओ ना, इससे भी प्यारी चीज़ है जिसने मेरा दिल ले लिया. बिकॉज हमने ना अभी अभी तक लिटरली चिया की फ़ोटोज़ अपने घर पे नहीं लगवाई हैं. एंड इन्होंने बहुत ही प्यारा कोलाज बनवा के भेजा है. और मैं शायद, मुझे लगता है मैं ना आलस बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, फिर बहुत ज़्यादा ऐसे ना कामों में पड़ जाती हूँ. मुझे फोटोग्राफ्स प्रिंट करवानी है. और ये देखो, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. ये लोहड़ी की है, सो प्यारा प्यारा. और 5 मंथ्स का एंड चिया 9 मंथ्स की हुई गाइस. इसमें देखना बिंदी लगी दिवाली की है, क्यूट. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच नेहा. यहाँ पर आए हैं साक्षी. Hello. काम चल रहा है. वॉलपेपर सिलेक्ट हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 49 रुपीज. भाई यहाँ पे एक तिलक नगर में एक स्टोर मिली हमें. मैम आई थिंक पिछले एक दो ब्लॉग से आपको वॉलपेपर ही दिखा दूंगी. दो तीन दिन से वॉलपेपर आज, लेकिन आज फाइनल आज हो जाएगा. आज हो जाएगा. अच्छी वैरायटी यहाँ पे. बाकी देखते हैं कितना हमें बेस्ट लगाते हैं. बट नाइस स्टाफ शालिनी जी इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी देखते हैं, अभी देख रहे हैं और डिजाइन. गाइस मैंने कहा आपको अपडेट दे देती हूँ, तो बस वहीं से हम निकल गए थे, वो शॉप पे गए थे. फिर यू नो एक आध चीज़ और, बस अब जा रही हूँ मैं घर पे. रात हो गई यार, फिर कुछ सामान लेना था, मुझे साक्षी से भूल गई थी. फिर हम लोग वापस गए, वापस मुझे मतलब आधे रास्ते मिले अंशम साक्षी. अब बहुत ट्रैफिक है, मेरे को थोड़ी पेन भी हो रही है पेट में. बस दवाई देखती कोई है तो. अरे भाई मैं तो दिख नहीं रही आपको. एंड बस अभी घर जाती हूँ यार, बहुत हौच पौच, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या करवाना है. घर जाके थोड़ा आराम से ना कंफर्टेबल कपड़े पहन के थोड़ा देखती हूँ, फिगर आउट करती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं. एंड पता नहीं यार डिले ही हो जा रहा है खुलना. चुटपुट चुटपुट काम रह गए हैं, बट वहीं वहाँ पर जाके वो मतलब जाना थोड़ा सा ऑब्वियसली यार हो जाता है बच्चे के साथ. मैं भी एकदम से सुबह 9 बजे नहीं भाग सकती हूँ. देखते हैं कितना डिले हो रहा है यार. बट एनीवे आज है मदर्स डे एंड मैंने कहा मैं तरीके से बैठ के बात भी नहीं करी आप लोगों से, तो वैसे भाग ही रही हूँ अर्ली मॉर्निंग मेकअप शेकअप से. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ मदरहुड. इट इज़ समथिंग एल्स, लाइक इट इज़ नॉट समथिंग कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ यार कि लाइफ का हर एक पड़ाव डिफरेंट होता है. जैसे कि जब आप स्कूल में होते हो तो आपको एक कॉलेज जाने की एक एक्साइटमेंट होती है, एक हल्का सा फियर ऑफ यू नो अननोन होता है बिकॉज एक न्यू टेरिटरी पे आप जा रहे होते हो. ऐसे कॉलेज से जब आप जॉब में जाते हो, सिटीज बदलते हो, जैसे मैं बॉम्बे गई थी अपनी जॉब के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, अकेले रहना, नए लोगों से मिलना, शेयर करना फ्लैट रूम शेयर करना, ऐसी चीज़ें, वो एक नया स्पेस होता है सबके लिए. अननोन चीज़ें होती हैं, एक्साइटमेंट भी होती है, डर भी होता है एंड बहुत कुछ होता है. तो मदरहुड भी वैसे एक सीढ़ी है आपकी लाइफ में. सही टाइम कब होता है किसी को नहीं पता. सही टाइम मतलब कब टाइम, कब बेबी करना चाहिए, कब लेट करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए,
कोई दिस इज लेट और जल्दी कुछ सही वही है जो आपकी टाइमलाइन आपकी लाइफ की टाइमलाइन के हिसाब से सेट बैठ रहा है. सर्टन थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स एंड सर्टन थिंग्स इवन इफ दे आर इन योर हैंड्स दे वर्क अकॉर्डिंग टू व्हेन द गॉड इज विलिंग एंड व्हेन डेस्टिनी इज विलिंग. सो आई गेट लॉट ऑफ यू नो मैसेजेस फ्रॉम काफी जो मम्स यू नो दे वॉन्ट टू गेट ऑन टू दिस जर्नी ऑफ मदरहुड बट यू नो दे वॉन्ट टू कंसीव इन एवरी थिंग. तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप स्ट्रेस मत लो, ये अपने आप होता है जब भी होता है एंड इट्स जस्ट मिरेकल. तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे यार मैंने इतनी जल्दी क्यों बेबी कर लिया, मैंने इतना लेट क्यों करा. एवरी टाइम इज राइट एज पर योर टाइम लाइन हु इज डिसाइडेड बाय गॉड. तो और ये बहुत प्यारी प्यारी से भी प्यारी जर्नी है, मतलब मेरे लिए बहुत खूबसूरत है ऑनेस्टली. मतलब लाइफ बहुत बदल गई है, बहुत ज़्यादा वो आ गई है, लेकिन दिस इज समथिंग इट्स जस्ट लिटरली लाइक इट इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ अ बेबी व्हाट लिटरली लाइक उर्वशी. इट्स लाइक कि तुम एक तुम्हारे अंदर ना एक अलग ही प्यार उमड़ के आता है एंड एक अलग ही वो होता है. तुम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो, तुम्हें धीरे धीरे खुद पता चलता है व्हाट मॉम्स आर केपेबल ऑफ. मतलब पहले मैं सोचती थी यार कि ऐसे काम के साथ मेरा काम भी थोड़ा वैसे है अंदर बाहर ये वो यू नो वैसे मेरे को कभी इतना ध्यान में नहीं आया बट मैं सोचती थी ना हल्का फुल्का लोग ही तुम्हारे दिमाग में डालते हैं कैसे करोगे, बट सब हो जाता है यार. बच्चे बहुत प्यारे होते हैं अपने हिसाब से, तुम सब कुछ अपने आप सेट होता है सब कुछ, बस तुम्हें विलिंगनेस होनी चाहिए. एंड मेरे हिसाब से आई एम तो कम्प्लीट आई हैव बिकम कम्प्लीटली यू नो डिफरेंट पर्सन. मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ठहराव बहुत ज़्यादा आ जाता है, काफ़ी चीज़ें लगती है व्हाट इज मेंट फॉर मी विल कम यू नो कम टू मी. मेरे को फालतू की भसूरियों में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे बस शांति चाहिए एंड गुड टाइम चाहिए विद चिया एंड भानु. मतलब होता ना आप समझ जो ना ऐसा लगता है कि यार दिस इज लाइक आई रियली वॉन्ट टू लिव विद हर, आई रियली वॉन्ट टू लिव स्लो एंड लश. उसका हर एक जब मंथ का वो आता है ना 9 months की हो गया ना जो छोटी सी, मतलब ऑब्वियसली हैप्पीनेस होती है बच्चा बड़ा हो रहा तुम्हारा, पर जैसे कि 9 months की हो गई है ऐसे तो ना वो वाली चीज रहती है आंटी. आई थिंक सभी मम्मियों के उसमें रहती हूँ. मैंने बड़ी पोस्ट भी प्यारी इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी किसी की, मतलब लिखी हुई थी कि मॉम के ब्रेन में क्या चल रहा होता है कि मैंने खाना मैंने लास्ट डायपर कब बदला था, मैंने लास्ट खाना कब खिलाया था, क्या मैं इनफ कर रही हूँ, मैंने लास्ट टाइम खेला कब था, मुझे जाके ये करना चाहिए, ओ ये भी होना चाहिए, ये भी करना चाहिए, मैं इतना कर रही हूँ क्या ये इनफ है, और इतना प्यारा बेबी है मेरा, what miracle have I created, I'm so blessed, I'm so thankful. ये वो बहुत दुनिया भर की चीज़ें तुम कर रहे होगे ना, लाइक मेरे को पता ना मैं क्या क्या चीज़ें चलती रहती है, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही रहता अच्छा ये हुआ वो ऐसे वाली चीज़ें. एंड ऑनेस्टली दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज समथिंग आई रियली वुड लाइक, दिस इज यू वुड वॉन्ट टू हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इन योर ब्रेन. तो मज़ा आता है, लेकिन मैं गाड़ी चलाने में चिया को मिस कर रही हूँ. तो बस यार मैं जा रही हूँ, हैट्स ऑफ टू ऑल द मम्स, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर ऑल. मतलब मैं इसे कोई पूछेगा तो एंड यू इट कम्प्लीटली चेंजेस यू एज अ पर्सन, चेंजेस मतलब इन अ गुड वे, अब ऐसा वाला चेंजेस नहीं कि हाँ जी चेंज ही हो गया बंदा बदल गया. तुम्हारे में मतलब मेरे में तो बहुत पीस आया हुआ, मतलब मुझे ना फुल कुछ समझ पता नहीं अपने आप ही होता है यार, मुझे कुछ फालतू की बातें मैं कट मतलब होता है ना कट शॉर्ट करके हाँ ठीक है हाँ मैं हाँ मिला रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नेगेटिव कुछ नहीं समझ में आता. I just like positivity because I want to spend some peaceful and quality time with Chia and Bhanu and choti si tumhari family ho jati hai and it's very beautiful. So ek jo mom jo kar sakti hai na wo ek mom hi kar sakti hai. Main apni baat nahi kar rahi, main apni mummy ki baat bhi kar rahi hu, unki mummiyon ki bhi baat kar rahi hu, un sabki mummiyon ki bhi baat kar rahi hu. To happy mother's day to all the moms, to my mom, to Bhanu's mom, to your mom, to your mummy's mom, to all the moms. बस यही अभी मैं बैठी हूँ, थक गई, घर जाती हूँ गाइस. मुझे भानों का वो भी खोलना है, मुझे मैं तो पैर में मैंने खोला क्यों नहीं, बट मेरे पास अब टाइम ही नहीं था यार, मैं बहुत लिटरली 15 minutes बैठी हूँ मैं घर पे. चलो चलते हैं घर चलते हैं, अभी तो लंबा रास्ता है. आती ही थोड़ी सी एनर्जी आ गई. चिया चिया एक सेकेंड रुको रुको. तो भाई ये चिया ने भेजे हुए हैं गाइस ये फ्लावर और ये केक, ये देखो भाई, हमें लगा भानु पापा ने भेजे, ये तो चिया ने भेजे. चिया को उबासियाँ आ रही हैं अभी. दीदी आपने भेजे ना, मम्मी को भी बुला ली, मम्मी थोड़ा सा नीचे होना पड़ेगा, हमने बच्चों को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है, हम नीचे हो गए है ना, मम्मी काटेगी हम बच्चों को संभाल रहे हैं,
हम दो दो मम्मियाँ, लेकिन बड़ी मम्मी दोनों मम्मियाँ काट लेगी ना, वो बच्चे नम्मी हाथ मार देना दोनों मम्मियों के। एक मिनट जिया देखो, जिया देखो, चलो सब बोलो हैप्पी मदर्स डे। सब जुग जुग जियो, सबकी मम्मियाँ जुग जुग जिये, सबकी लंबी उम्र हो, सब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। और ये मुंह मीठा करो मम्मियों का, अपनी अपनी मम्मियों का मुंह मीठा कराओ। ये लो बच्चा इस बात पे उबासी ले रहा है। हमारे ना रोज बाल नोच रही है, कभी हमें चूटियां मार रही है आके। चिया मामू सो रहे, बेटा नोच मामू के बाल, नोच जितने नोचने नोच, मामू को कुछ पता नहीं चलेगा। ये रे बेटा बाल, ये रे बेटा हमारे तो आप ऐसे पकड़ पकड़ के नोचते, मेरे तो बाल भी खा जाती। नहीं वो चाहती है वहां से टाप के वहां चली जाए। चूटी मार रही, हाँ ये देखो ये रे बाल, मामू को कुछ, मामू सो रहे हैं, उठेगा मारेगा। मेरे मामा ने तो देखनी है लॉक के लिए पकड़ लेना है। मुझे भी मार रही है, काट भी रही है, बारीक सी काट भी रही। आपको काटा है इसने एक बारी? मैं शोल्डर पे काटा है, मुझे काटा नहीं है, दांत आए नहीं अपने, वो मुझे डांटती है, मैं हंसती हूँ ना डांटती है मुझे। हाँ बहुत ज्यादा है, वो आपके साथ ही है वो, ऐसा नहीं करती मुझे। आए हुए हैं हम अभी यहाँ पे, नेक्स्ट डे है। पेंटर भैया अपने काम कर रहे हैं, साक्षी अंशु भी है, बहुत चीजें फाइनलाइज कर रहे हैं, लेकिन लेबर भैया, सिर्फ पेंटर भैया आए हुए हैं, वो अपना काम है ना, बाकी सब कोई भी नहीं आया, सब छुट्टी पे है, तो आप समझ ही सकते हो किस उससे गुजर रहे हैं हम। मैंने हमें कब खोलना था और खुल जाता है। बनाने वाले हैं भैया पेंट, कंप्यूटराइज्ड, मैं देख लूँ भैया कैसे बनेगा, कैसे आप पिगमेंट विगमेंट डालते हो कि वाइट बेस पे सब इसके अंदर। अच्छा आप सेटिंग कर दोगे प्रॉपर, जैसे हम मेकअप का करते हैं प्रॉपर सब। अच्छा इंटरेस्टिंग। भाई दूसरा वाला दो छोटे बनवा रहे हैं, क्योंकि एक ही वॉल पे चाहिए डार्क कलर, इसमें ज़्यादा डल रहा है अंकल पिगमेंट है ना। यहाँ पर ऐसे घूम रहा है मिक्स होने के लिए, फाइनल कलर दिखेगा होपफुली ठीक हो, फिंगर्स क्रॉस। कैसे हो? बढ़िया। सही है आपका सामान, देख लो यहाँ पर थे, छुट्टी मना रहे थे कल, नहीं छुट्टी थे, घूमने गए थे कल, आए कोई भी नहीं आया पता, कल हम कल मिस कर रहे थे आपसे। फिनिशिंग के लिए गाइस देखा जा रहा है, आशा था भैया भी काबू आए, शाहरुख भैया को तो मैं खींच के लेकर आई हूँ। एक शेल्फ, एक बना दो शेल्फ बन सकती है तो, दोनों तरफ बना दो। और यहाँ पे शाहरुख मिरर वगैरह टकने को बाद में होगा ना पेंट के बाद। मैंने खुद एक न्यूज़ बताई नहीं जो ना, यू नो व्हाट कलर वी आर गिविंग टू दिस सलोन, डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक। पिंक इज माय फेवरेट कलर, दैट्स व्हाई आई एम लाइक व्हाई इट इज सो फर्स पिंक, इट वाज सो वाज ग्रे ना, या नाउ इट्स एवरीथिंग इज पिंक, द वॉल्स आर गोइंग टू बी पिंक। चलो थैंक यू जी। भाई बंदे ने इतना काम संभाला, बंदे भी ने संभाला भाई, खींचा हुआ काम ऐसे। यो यो व्हाई इज माय बॉय टेकिंग नो दिस इज, ही ऑलरेडी हैज कॉफी फ्रॉम स्टारबक्स। यू नेवर से नो टू चाय एंड कॉफी बेटा, बट दिस इज फॉर योर पापा, आई एम गोना गिव दिस टू हिम। ये तो डार्क है, आई डोंट लाइक दैट पिंक, वी लाइक बेबी पिंक, हैवी नेस नो, बट आई लाइक द वन इन द बेडरूम मोर, दैट्स मोर लाइक क्रीमिश कर रहे हैं पेंटर भैया। लावी इस वाले भैया को भी कॉल करना खाना खा के, ये इसमें लगना है। इस वाले भैया नहीं आए, कार ऐसी यार, हाँ जी हाँ जी गाइस यहाँ पे तो हो गया, ये तो बहुत प्यारी लग रही है, और लगेगा ना यहाँ पे तो वॉलपेपर है इधर ही। और ये पट्टा पता है? हाँ जी पिंक, मेरे हाथ पे बच जाना पिंक कलर, अंकल ने थोड़ा सा और लाइट करें, क्योंकि ना पता नहीं चल पाता है ना, जैसे वीडियो में कितना वाइट सा आ रहा है ना, वैसे देखने में कितना पिंक लग रहा है। अगर आप शर्ट कार्ड देखेंगे ना और रहेगा, और दीवार पे लगेगा तो मैंने सीख ली है। हाँ जी भाई थोड़ा सा गाड़ी को कर लेते हैं, सारे ही दिन आराम से चलाते हैं, तो बस अभी मैं जा रही हूँ घर एंड चिया से मिलके थोड़ा सा कुछ खाना खा लूँगी, शाम ही हो रही है वैसे 6:30 हो रहे हैं, लंच कर लूँगी फटाफट से, एंड मुझे शाहरुख को मिलना है, एंड मुझे फिर वो कुछ ब्लाइंड्स हैं कुछ देखने हैं, दो चार चीज़ें शाहरुख के साथ जाके, तो फिर देखते हैं। और बड़ा एक्सटेंड हो गया और फिर
इलेक्ट्रिशियन वाले भैया परसों आ रहे हैं, वॉलपेपर वाले भैया कल आ रहे हैं, परसों मुझे भी याद, मैं खुद अब हो चुकी हूँ, और परसों ही एसी वाले भैया ने आ रहे हैं, तो परसों मोटा मोटी बहुत सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, फिर अरेंजिंग, फिर सफाइयाँ, फिर वो सब चीज़ें शुरू होंगी। तो 1 मई से 5th मई, 5th मई था ये, 1 तो नहीं था, 5th मई से 10th मई, 10th से 14 से 15 से अब पता नहीं आ रहा है, वो फ्राइडे तक खुल जाए, फिर मंडे तक मैक्स, और अब तो इससे लेट तो नहीं होना चाहिए, बहुत लेट हो गया, लाइक लिटरली वेयर 15-20 दिन ऊपर ही चल रहे हैं हम, और अभी गाजियाबाद इंद्रपुरम वाले भी, वी आर एमिंग फॉर 2nd जून, वी हैव टू ओपन इन एनी हाउ, बिकॉज हमने उस हिसाब से बुकिंग्स भी ली हुई हैं, हाइड्रा के ऑफर, बहुत सारी चीज़ों के ऑफर निकालते रहते हैं हम इंस्टाग्राम पर रोज़, हाइड्रा मेरी हालत क्यों रखेगा ये, सॉरी प्लीज़ इग्नोर करना। तो बस यार अभी तो घर जा रही हूँ मैं, एंड अपना ट्रिप मैं एक्सटेंड करा रही हूँ कुछ टाइम के लिए, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें डिले चल रही है, एंड June 1st week तक हो जाए बस, एंड मैं भानु को भी बुला रही हूँ, सन बहुत ज़्यादा आ रहा है, भानु सन चाहिए, सन बहुत ज़्यादा यार, विटामिन बी चाहिए भाई, तो चाहिए कि थोड़ा सा, काफ़ी सारी चीज़ें होती है यार, और एक्सटेंड वैसे ही हो रहा है, तो मतलब मेरा प्लान भाई 1 month वाला था, उसमें काफ़ी सारी दोनों ब्रांचेस खुलनी थी, प्लान तो बंदे में ऐसे करते हैं, तो देखते हैं यार, भानु को बुला रही हूँ, भानु विल कम, यहाँ वाली ओपनिंग में तो किसी हालत में भानु कैन नॉट बी हियर, मुझे पता है उसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा मैं एंड ऑफ उसमें बुलाऊंगी, ताकि 10 days के लिए भी इफ ही कैन कम, हम साथ में चले जाएं फिर, एंड जाम लग गया, एंड वहाँ वाला भी खुल जाएगा, वी आर एमिंग फॉर 2nd जून, बाकी देखते हैं यार, हाथ में नहीं होता तो ट्राई करेंगे यार, ये तो मैं खोल लूँगी, भानु के सामने एक और ब्रांच खुल जाए, मैं भी चाहती हूँ मेरे सामने भी खुले, अभी मैंने भानु को ही बोला है 2nd जून तक वी आर एमिंग कि वहाँ पर भी हम खोल दें, तो बस यार यही है, थोड़ा सा भानु आएगा ना, मुझे थोड़ा और वो होएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी मेरी, थोड़ी सी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएंगे मेरे, है ना, ऐसा लग रहा है मुझे, तो आई नीड मेरे विटामिन बी नाउ, फिलहाल चलते हैं विटामिन सी के पास, अपनी चिया रानी के पास, कुछ खाना खाती हूँ, 10 minutes का मेरा टर्न अराउंड, फिर बाहर जाती हूँ शाहरुख भाई के साथ, आसान नहीं होता यार ये सब चीज़ें करना, ठीक है चलो।